सबसे पहली मान्यता तो ये है कि इसको सिद्ध बलि क्यों बोला गया। 2032 तक यहाँ पे सभी भंडारे फुल है, अपनी मन्नत मांगते हैं, उसके लिए ना साइड में आपको चुनरी बांधनी होती है। यहाँ पे एक बाढ़ आई थी काफी टाइम पहले, जो मंदिर के नीचे का पहाड़ का पूरा मलबा निकल गया और मंदिर। हाँ। ओम नमो नारायण। दोस्तों आज हम आपको लेके आ चुके हैं एक ऐसे महाबली सिद्ध पीठ पे जो की कोटद्वार में है उत्तराखंड के अंदर। और अगर इस सिद्ध पीठ की बात करूं तो इसकी मान्यता इतनी है, इसके अंदर जो है अभी 2032 तक के लिए जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है 2032 तक यहां पे सभी भंडारे फुल है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर की कितनी मान्यता है। और मेरे साथ में है वैभव जी, इनकी यहाँ पर एक शॉप है, ये रुद्राक्ष और रतन देते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और ये इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे और बताएंगे इस मंदिर की विशेषता। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं ऊपर चल के मंदिर। तो वैभव जी, जैसे हम इस मंदिर या सिद्धपीठ में आ चुके हैं तो इसकी क्या मान्यता है, अगर आप हमें बताना चाहेंगे। इस सिद्धपीठ की पहली बात तो बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता तो ये है कि इसको सिद्ध बलि क्यों बोला गया। अच्छा, सिद्ध बलि, सिद्ध और बलि का कॉम्बिनेशन है। जिनको सिद्ध पुरुष माना गया वो है हमारे गुरु गोरखनाथ जी और बलि जी, हम जैसे हनुमान जी को जानते हैं। जी जी। तो कहा जाता है कि वहाँ से बहुत सारे, मतलब अलग अलग लोगों की कथन है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनसे शिक्षा ली थी गुरु गोरख जी ने, या कुछ लोग कहते हैं उनका युद्ध हुआ था यहाँ पर। अब इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये इसलिए सिद्ध बलि नाम पड़ा है क्योंकि सिद्ध पुरुष जो कि हैं आपके गुरु गोरखनाथ जी और जो आपके बलि जी हैं हमारे हनुमान जी, उनके नाम पे इसका नाम सिद्ध बलि पड़ा है। दूसरी मान्यता ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बाढ़ आई थी काफ़ी टाइम पहले। अच्छा। तो यहाँ का पूरा नीचे का स्ट्रक्चर हिल गया था, लेकिन मंदिर हमारा वैसे के वैसे ही रहा। अच्छा, जो मंदिर के नीचे का पहाड़ का पूरा मलबा निकल गया और मंदिर। हाँ, बिल्कुल, आपने देखा होगा कि आप दूर से कभी देखेंगे मंदिर को तो उसकी पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। बिल्कुल पहाड़ की चोटी है और उसके नीचे सरिये लगाए गए हैं अब। अच्छा। तो वो जो पिलर्स लगाए हुए हैं वो बिल्कुल कट हो गए थे। राम भगत की जय, जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड। सामना करत लखन रघुराई, और कपीश भी गदा उठाई। तो भाई हमने जो यहाँ से प्रसाद ले लिया, मेन जो प्रसाद है यहाँ का, ये नारियल और ये गुड़ की भेली। और कहते हैं कि ऊपर प्रसाद ले जाने में जो नारियल होता है उसको मंदिर से नीचे ही एक जगह बनाई हुई है, उसमें फोड़ के लेके जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे एक जगह बनाई हुई है क्योंकि मंदिर में नारियल ले जाने से पहले नारियल को फोड़ना पड़ता है नीचे दो भागों में। और ये देखिए लिखा भी हुआ है, और शायद यहाँ पे इसकी भेली के भी दो पीस, तो भेली को भी यहीं से तोड़ के लेके जाते हैं। हाँ, भेली भी यहीं से तोड़ते हैं। अच्छा, वैसे वो ऊपर भी तोड़ देते हैं, अगर आपने तोड़ा हुआ नहीं होता तो ऊपर तोड़ देते हैं। तो भाई हम तो खाली भी नारियल ही तोड़ेंगे भेली को। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। लो भाई एक शॉट में फोड़ दिया मैंने, तो एकदम बढ़िया लग रहा भाई, करम अच्छा है मेरे। खराब निकलना चाहिए। अब मंदिर का जो मेन प्रांगण है वो स्टार्ट हो गया है। आपको अपने जूते चप्पल बाहर निकाल के नीचे ही सीढ़ियों से नंगे पैर ऊपर आना पड़ता है। ओ, गिटार म्यूजिक, बज रहा है क्या? तो म्यूजिक वाले कोई ग्रुप आ रखा है भाई, म्यूजिक के साथ जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और हम मेन मंदिर पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं मंदिर का मेन एंट्रेंस है, कैमरे वगैरह प्रॉपर लगाए गए हैं यहाँ पे। ये देखे सामने जो है बाबा जी हैं। पंडित जी बढ़िया
कठोर मान्यता है कि जो आप अपनी मन्नत मांगते हैं उसके लिए ना साइड में आपको चुनरी बांधनी होती है, तो हमारे पास भी हम भी अपनी मन्नत के लिए चुनरी बांध देते हैं और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है भंडारा देते तो यहाँ के खोलनी भी होती है। तो भाई ये लो भाई, तुम लगा दे, ये लो भाई हमने जो है मन्नत। तो भाई हमने तो अपनी मन्नत मांग ली और चुनरी बांध ली है और ये इधर देखे उस साइड से लेके पूरी चुनरियाँ बंधी हुई है और इधर तक चुनरियाँ बंधी हुई है और ये मंदिर का इधर पीछे का बैक साइड है और ये एकदम खड़ी चट्टान पे बना हुआ है। अगर इधर देखना चाहेंगे इधर बिल्कुल साइड में एकदम नीचे जो है पूरी नदी है, एकदम एकदम नदी की टक्कर पे बना हुआ मंदिर है ऊपर चोटी पे। वैभव जी कुछ बता देना मंदिर के बारे में। हाँ वैभव जी, हाँ, वो क्या इस साइड से पानी लगा था क्या वो टक्कर? हाँ बिल्कुल, यहाँ से बहुत ज्यादा तेज बाढ़ आई थी। अच्छा। और इसकी जो जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं इसके नीचे का पूरा हिस्सा साफ हो गया था और जो ये मंदिर है बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही टिका रहा। और आप ये देखेंगे सामने, अगर आप फोकस कर पाए उधर तो क्या कहते हैं झंडे लगे हुए हैं ऊपर, देखिए वो दिख रहे होंगे आपको ये झंडे। तो यहाँ जो है कहते हैं कि युद्ध हुआ था एक्चुअली में, तो इस जगह से ला करके पिंडी को रखा गया है। एक्चुअली वो है वहाँ पर जैसे जब मेला होता है यहाँ पे दिसंबर में तो सब लोग लेके जाते हैं यहाँ से झंडा वगैरह वहाँ पे लहरा के तब नीचे आते हैं यहाँ से जी। और यहाँ जो है अलग से धूप बत्ती के लिए जो ये बनाए गए हैं स्टैंड, अपनी धूप बत्ती लाए और साइड में से आपको माचिस भी मिल जाएगी। और ये लो भाई, तो भाई अब हम आपको मंदिर की परिक्रमा दिखा देते हैं, मंदिर चारों तरफ से है कैसा। श्रद्धालु चांदी के वो लगवाते हैं, कोई भी लगवा सकते हैं। तो ये शायद जिसकी मनोकामना पूर्ण होती होगी, नहीं मनोकामना ना भी हुई तो कुछ जो अपनी मर्जी से लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। सभी चांदी के लगे हुए हैं? हाँ चांदी के। अरे वाह, देखिए कर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबलि हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुरा। तो जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता यूज करना? ये यूज करना है, एक बार सर्कल कंप्लीट करना होता है। अच्छा, तो एक बार भाई सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद एग्जिट दूसरे रास्ते से आएगा। ये देखिए सेम इसी तरह भी उधर भी चांदी की वही सीटें लगाई गई हैं। तो अभी भाई हम आपको लेके चलते हैं नीचे गोरखनाथ जी की जो पिंडी है उस पे, ये था हनुमान जी वाली पिंडी, ये हनुमान जी की पिंडी यहाँ पे थी और ये नीचे गोरखनाथ जी की पिंडी है, तो आपको हम गोरखनाथ जी की पिंडी पे लेके चलते हैं। चलिए ये है गुरु गोरखनाथ जी का ना बनाया हुआ। अच्छा ये वाली धूनी? हाँ धूनी। भाई जी प्रणाम। तो भाई ये इधर आप देख सकते हैं ये वो धूनी है जो कि गोरखनाथ जी की धूनी है, ये जो कि हमेशा जलती रहती है इसके अंदर अग्नि। और इधर ये महाराज जी बैठे हैं जो कि तिलक लगा देते हैं, आप इनके चरण छूओ तिलक लगा देंगे। तो इस टाइप से ये मंदिर है, ये शिव जी शिवलिंग है, शिव जी की मूर्ति। और ये राम मंदिर का एक बहुत ही भव्य स्ट्रक्चर बनाया गया है। चलो और आगे जो है एक शनिदेव मंदिर है वो भी आपको दिखा देते हैं।
और दोस्तों जिस भंडारे की हम बात कर रहे थे जो 32 साल तक के लिए फुल है, वो जो दिए जाते हैं नीचे, आप जो रास्ता देख रहे हैं ये उसी के लिए जाता है। इधर नीचे की साइड में भंडारे चलते हैं। अभी ये पूरी यहाँ तक भरा रहता है, लेकिन 3 बज गए हैं तो 3-4 बज गए, इस वजह से लाइन ख़त्म हो गई है, वरना पूरा यहाँ तक भरा रहता है। ये कम से कम 3-4 राउंड लेके नीचे जहाँ भंडारे का हॉल है वहाँ तक जाता है। और ऐसी बात नहीं है, भंडारा यहाँ पे 7 दिन चलता है, पर जो मेन दिन है यहाँ पे सैटरडे संडे और ट्यूसडे, ये 3 दिन यहाँ के मेन है, जो कि 3 दिन यहाँ पे बहुत सारे भंडारे चलते हैं, पर 7 दिन तो यहाँ भंडारा चलता ही चलता है। और ये देखिए, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पे जो है शनि देवता जी का बनाया गया है, शनि भगवान का, बहुत बड़ी शनि भगवान जी की मूर्ति भी है यहाँ पे। नीचे चले, ये देखिए सामने आप दोस्तों देख ही सकते हैं भंडारे के लिए अभी भी लगभग 4 बज चुके हैं, अभी भी भंडारा चला हुआ है, लोग जो है भंडारे की लाइन में लगे हुए हैं, भंडारा लेके इधर साइड में ऐसे खा रहे हैं। देखिए ऐसे अपने भंडारे को ले और साइड में खा सकते हैं आप। और उधर जो है और ऐसे प्लेट्स दी जाती है, उनमें खाना खाया जाता है, जो प्लेट्स आपकी झूठी हो जाती है तो नीचे लोग वहाँ पर अपनी प्लेट्स को साइड में रख के और उधर आपकी प्लेट की धुलाई चलती है, तो सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो कोटद्वार सिद्धबली मंदिर से, जो कि हमने आपको दिखाया है, ये बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की आप और सिद्धपीठ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो करते समाप्त, नमस्कार।